जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की आंच देश के अन्य शहरों के साथ साथ अहमदाबाद भी पहुंच गई है। सोमवार को IIM अहमदाबाद में JNU हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था और मंगलवार को भी ये आग सुलगती रही। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP और कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के बीच भिड़ंत हो गई। ABVP के दफ्तर के सामने दोनों गुटों की ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिसके चलते कई लोग घायल हुए। दोनों गुटों के बीच हुई इस घटना के दौरान ABVP के अध्यक्ष ऋत्विज पटेल से बातचीत हुई, तब सुनिए उन्होंने क्या कहा। ABVP और NSUI के कार्यकर्ताओं में अभी झड़प हुई है। NSUI के कार्यकर्ता ABVP कार्यालय पर उनका आने का प्रयोजन था और दोनों विद्यार्थी गुटों में यहाँ पर जो झड़प हुई है यहाँ पर यही। लेकिन हमने देखा किस तरीके से लाठियों से मारा गया है, ABVP के कार्यकर्ताओं ने लाठियों से मारा है। आप पहुंचे तभी मैं पहुंचा हूँ, हम सब साथ में पहुंचे हैं, अभी तो देख रहे हैं कि क्या हुआ है। बिल्कुल भी जिसे ये जो हिंसा हुई है उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। अहमदाबाद में हुई इस हिंसक भिड़ंत के बाद कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी सामने आए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, आज अहमदाबाद में JNU की घटना पर विरोध कर रहे NSUI के कार्यकर्ता पर ABVP और पुलिस ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में NSUI के महासचिव निखिल सुवानी बुरी तरह से घायल हुए हैं। BJP और पुलिस छात्र को डराने का काम कर रही है, ये गांधी और सरदार की भूमि है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ नकाबपोश लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आए थे, जिसके चलते आज देश की कई यूनिवर्सिटियों में विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। दिल्ली से ईशा मालविया की रिपोर्ट, गुजरात तक।